Bismillahirrahmanirrahim, dear students, friends and colleagues, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel, Physics with Tanoli. आज हम चैप्टर नंबर 2, क्लास 9, काइनेमेटिक्स, उसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जी. बुक का पेज नंबर 59 है और न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास. स्क्वाश बॉल मेक्स कॉन्टेक्ट विद स्क्वाश रैकेट एंड चेंजेस वेलोसिटी फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड वेस्ट टू 25 मीटर पर सेकेंड ईस्ट इन 0.10 सेकेंड. Determine the vector acceleration of the squash ball. Given data में हमें symbols पता होगी ये सबकी, इसलिए हम symbols ही लगाएंगे. Velocity जो उसकी change हो रही है वो 15 meter per second से change होके 25 meter per second की तरफ आ रही है. यानी अगर मैं बात करूं डायग्रामेटिकली, पहले आपके पास वेस्ट वाली साइड पे थी, अब वेलोसिटी चेंज हो गई है ईस्ट वाली साइड, यानी उसकी डायरेक्शन जो है उसमें भी आपके पास यहाँ पे चेंज आ रही है. तो मैं यहाँ पे लिखूं तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मुझे पता है जी 15 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 25 मीटर पर सेकंड है. इसी तरह जो टाइम है टी वो जी 0.10 सेकंड. आपने फाइंड क्या करना है जी, टू फाइंड में आ जाए तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करके यहाँ पे देना. अब एक्सेलरेशन की बात की जाए तो हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी. चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम आ जाएगा. तो आप देखें अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर चेंज कर लूँ फाइनल माइनस माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैं क्या करूंगा इसको माइनस करूंगा. ए इज इक्वल टू फाइनल कितनी है जी 25 माइनस माइनस 15 डिवाइडेड बाय 0.10. तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन बनेगा जी 25 माइनस इनटू माइनस प्लस 40 डिवाइडेड बाय 0.10. एक्सेलरेशन अभी हम कैलकुलेटर पर चेक कर लेते हैं जी. हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो इसका बनेगा जी 40 डिवाइडेड बाय 0.10. तो ये 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका रिजल्ट आ रहा है जी. इसका रिजल्ट 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट वाली डायरेक्शन में हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है. इसी तरह इसी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 2 चेक करते हैं जी क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करके इसमें देना है जी. गिवन जो है बॉल इज इनिशियली ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, हिट्स अ सैंड ट्रैप एंड स्लोज डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2.0 सेकेंड. हमारे पास बॉल जो है वो जो इनिशियल उसकी स्पीड है वो हमारे पास है जी 25 मीटर पर सेकेंड, सेंटर पे जाके हिट होती है और उसके बाद स्लो डाउन होती है. स्लो डाउन जो ही होती है तो डायरेक्शन यानी हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है माइनस 20
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2.0 सेकेंड। टाइम जो है वो 2.0 सेकेंड है, आपने फाइंड करना है जी उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी एस आपने इसका फाइंड करके देना है। यूजिंग सेकेंड डिवीजन ऑफ मोशन सॉल्यूशन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी ए जी प्लस आर एटी स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, इनिशियल है जी 25 और टाइम है जी 2 प्लस 1/2 माइनस 20 एक्सेलरेशन टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा जी 50 प्लस 1/2 और साथ माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस 80, ये कैंसिल होगा। तो एस इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 40, 2 से डिवाइड करें तो एस इज इक्वल टू हमारे पास 10 मीटर, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो कितना होगा जी हमारे पास 10 मीटर होगा। इसी तरह इसका थर्ड न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का, थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कह रहा जी ए बुलेट एक्सेलरेट्स द लेंथ, अ बुलेट एक्सेलरेट्स द लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ ए गन 0.750 मीटर लॉन्ग विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5.35 × 10⁵ m/s² विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट एग्जिट द बैरल। बुलेट निकलती है जी और उसकी जो लेंथ है बैरल की, गन के बैरल की जो लेंथ है वो मेरे पास है जी 0.750 मीटर है, और एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेट जो करके जा रही है जी 5.35 × 10⁵ m/s². इसमें विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट एग्जिट द बैरल, जिस टाइम निकल रही थी मीन उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, इनिशियल स्पीड जो थी वो उसकी जीरो थी। तो टू फाइंड में आपने उसकी स्पीड फाइंड करके देनी है, लेकिन कौन सी फाइनल स्पीड फाइंड करके देनी है। तो इसके लिए अगर इसके सॉल्यूशन पे जाएं गिवन डेटा और टू फाइंड को सामने रखते हुए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जी 2s = vf² - vi² पुटिंग द वैल्यूज 2 × 5.35 × 10⁵ s को नहीं है 2al में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है s कर रहे हैं आपकी मर्जी। 0.750 = vf² - 0² मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन चेक करता हूँ जी, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है जी उसकी जी मल्टीप्लिकेशन में 2 × 5.35 × 0.750, ये सारा बनेगा जी 8.025 × 10⁵ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं एक काम करता हूँ डेसिमल पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ 10⁻¹ हो जाएगी 80.25 × 10⁵ − 1 4 हो जाएगी मेरे पास, मुझे तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा जी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 80.25 मल्टीप्लाई बाय 10^4। इसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, इलादा इलादा से स्क्वायर रूट लेते हैं जी, देन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 80.25 मल्टीप्लाई बाय 10^4। कैलकुलेटर पे चेक करते हैं जी, 80.25 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 80.25, तो ये बन रहा है जी 8.958 मल्टीप्लाई 10^2 होल स्क्वायर, तो ये 10^2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये इसका थर्ड न्यूमेरिकल था। अभी आते हैं जी इसके न्यूमेरिकल नंबर 4 के ऊपर, चेक करते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 4 हमें क्या कह रहा है जी, उसमें हमने क्या पॉइंट करके देना है, इसको चेक करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है जी, ए ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड एंड शी सीज ए रेड लाइट एहेड, उसकी जो स्पीड है वो इनिशियल जो स्पीड है वो 18 मीटर पर सेकेंड है। हर कार इज कैपेबल ऑफ डिक्लेरेटिंग एट अ रेट ऑफ 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जाहिर है डिक्लेरेशन वैसे तो नहीं होता, कार जा रही है ट्रेवल करके, तो इट मीन वो ब्रेक अप्लाई करेगा तभी डिक्लेरेशन होगा, और जिस टाइम वो ब्रेक अप्लाई करता है उस टाइम पे वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है 2.0 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन, व्हेन शी सीज द लाइट विल शी बी एबल टू स्टॉप इन द टाइम। हमारे पास उसकी जो इनिशियल स्पीड है थी 13 मीटर पर सेकेंड, उसकी इनिशियल स्पीड है और उसका जो एक्सेलरेशन है जिस टाइम ब्रेक अप्लाई करता है वो -3.65 मीटर पर सेकेंड, माइनस उसके बुक वाले ने नहीं दिया हुआ, माइनस पुट करेंगे क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और जिस टाइम ब्रेक अप्लाई की जाती है उस टाइम उसका जो डिस्टेंस है वो उसका है जी 20 मीटर। आपने जी इसको पॉइंट करके देना है जी फ्रॉम द इंटरसेक्शन व्हेन शी सीज द लाइट विल शी बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, आपने उसका डिस्टेंस फाइंड करके देना है। एस वन के बने इसको मैं कह देता हूँ एस प्राइम, आपने क्या करके देना है जी फाइंड करके देना। इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे सॉल्यूशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारे पास आ जाएगी 2s इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां पे अगर देखा जाए 2s प्राइम कह देते हैं, s प्राइम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s प्राइम इज इक्वल टू। अब यहां पे जरा समझना है, हमने इनिशियल स्पीड उसकी थी, फाइनल स्पीड जो है वो उसकी जीरो होगी जिस टाइम पे मैं यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे कर लेते हैं, जिस टाइम ब्रेक अप्लाई करेगा उसकी स्पीड जो होगी वो जीरो होगी, और आप टू फाइंड कर रहे हैं जी एस प्राइम, तो ये जीरो का स्क्वायर माइनस इनिशियल है जी 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into a -3.65 एस प्राइम इज इक्वल टू 0 माइनस 18 का स्क्वायर। अभी चेक कर लेते हैं जी हमारे पास क्या आ रहा है जी, तो 18 का जो स्क्वायर है जी वो है जी 324 डिवाइडेड बाय, आप 3.65 को मल्टीप्लाई करें जी 2 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा जी
7.3 माइनस 7.3, तो ये आ जाएगा जी एस प्राइम इज इक्वल टू -324 डिवाइडेड बाय -7.3। माइनस माइनस को कैंसिल करेगा, अभी चेक करते हैं जी 324 डिवाइडेड बाय 7.3 तो ये बन रहा है जी 44.43 मीटर बन रहा है। जो उसने बात पूछी है उसका क्वेश्चन ये था, वो ये कह रहा था इफ शी अप्लाइज ब्रेक्स व्हेन शी इज ओनली 20 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन शी सीज द लाइट विल शी बी एबल टू स्टॉप इन टाइम। जिस टाइम उसने ब्रेक अप्लाई की उस टाइम उसने ये डिस्टेंस कवर किया हुआ था 20 मीटर का, टोटल उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 44.43 मीटर का। अब बाकी कितना डिस्टेंस बचेगा वो एस, इसको मैं एस एस से ही रिप्लेस, एस वहां पे जी एस था यहां पे एस प्राइम, मैं इसको एस टू से रिप्रेजेंट करता हूँ, एस टू एस प्राइम माइनस एस, एस टू इज इक्वल टू 44.43 माइनस 20, तो एस टू हमारे पास 20, तो ये बचेगा जी 24.43 मीटर, ये हमारे पास इसका डिस्टेंस बच जाएगा। इसी तरह इसका न्यूमेरिकल नंबर 5 है जी, और न्यूमेरिकल नंबर 5 चेक करते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 6 इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल नंबर 5 चूँकि लेंथी है और 6 भी लेंथी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।